मैं अचानक कैसे आप सबको मिल है, आप सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। मैं ये खुतबे के बाद मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि खुतबे के बाद हम लोग सिर्फ घर में ही थे, रेस्ट ले रहे थे, कहीं पे भी नहीं गए। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक इवेंट पे, जो सना खान है उनका इवेंट है आज बर्मिंघम में, तो आज हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। किस तरह उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दिन में कन्वर्ट किया है वो सब आज वो बोलेंगे, और 3 आवर्स का उनका इवेंट है तो हम लोग उसी इवेंट पे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं बस स्टैंड पे, वेट कर रहे हैं बस का, तो बस आएगी तो जाएँ। 5:30 का हमारा इवेंट है, शायद इंशाल्लाह हम लोग पहुँच जाएंगे। सना खान से हम लोग मीट कर पाते हैं या नहीं पता नहीं, क्योंकि VIP सीट होता तो हम लोग उससे मिल पाते, लेकिन हम लोग जब तक टिकट बुक किया उस टाइम तक तो VIP सीट्स बुक हो गए थे और सोल्ड आउट हो गए थे और वो क्लोज़ कर दिया गया था, तो हम लोग नॉर्मल ही बुक किया है। देखते हैं उनसे हम लोग मिलेंगे या नहीं। और बारिश भी पड़ रहा है, वो है हमारी बस, अभी है 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स के बाद भी आएंगे और हमें इसी बस स्टैंड पर चढ़ना होगा, हम लोग वहाँ पर जाके नहीं चढ़ सकते। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा बस स्टैंड है, लेकिन X2 का जो बस स्टॉप है हम लोगों को वहीं पे खड़ना है, और वो बस लिखा है ड्यू, और वो देखिए लाइट्स ऑन हो गए और अभी वो आ रही है। इसलिए जब लोग हम चढ़ते हैं उस टाइम पे कोई नहीं होता है। देखो फ्रेंड्स इस तरह से बेल होता है बस में, हम लोगों को स्टॉप करने के लिए उसको प्रेस करना पड़ता है, प्रेस करेंगे वो बेल बजेगा। और वो देखिए फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा जूम करूँगी, वो देखिए फ्रेंड्स बस में कैमरा भी होता है और सारा नीचे, वो लोग देखिए कितना लंबा क्यू है फ्रेंड्स, अभी हम लोग लाइन में, हम देखिए ये कितनी लंबी लाइन। अभी यहाँ हम लोग टिकट काउंटर पे खड़े हैं, ये टिकट चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी थे, ये चाट्स का स्टॉल और चॉकलेट्स का एक शॉप था, जूस का। Because we want to take care of the health of Baji Sana and Mufti Sana, they've traveled only 4 days and I'm sure you're aware of her. JazakAllah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, khair inshallah. My name is Sultan Ahmed and it is my pleasure and honor to be here today. I'm going to start. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu ulaika ashabun النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم تمنا مدت سے جمال مصطفی دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोए अब्बा यू आर माय हार्ट एंड होम माय फ्रेंड व्हेन आई वाज अलोन योर स्माइल। 2018-17 के अंदर इनकी मुलाकात हुई, तो जब पहली दफा मैं मिला तो आप लोग हंसोगे मेरी अगली बात के ऊपर, मैंने इनको बाजी कहा, लेकिन मुझे तो पता नहीं था ना कि मेरे मुकद्दर में अल्लाह मियां ने ये लिखी है। तो मैंने कहा मैं ये हरम में थी, मैं भी हरम में था, तो वहां हमारी मुलाकात हो रही है और उसके बाद दो हंस। बट आई नो कि अल्लाह माफ करने वाला, अल्लाह माफ करेगा,
बट इट वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल टफ सिचुएशन एंड लॉट ऑफ सैक्रीफाइसेस इन्वॉल्व. ट्रस्ट मी, बहुत सैक्रीफाइसेस इन्वॉल्व है इसमें. ये मुझे आसानी से, इसलिए यू नो व्हेन आई से द वर्ड हिदायत, व्हेन आई से द वर्ड तौबा, आई क्राई अ लॉट बिकॉज आई नो दिस हैज नॉट कम टू मी फॉर फ्री. मैंने बहुत चीज़ें कुर्बान की है इसके लिए. एंड ट्रस्ट मी, आप जब कुर्बानी दोगे ना अल्लाह के लिए, अल्लाह आपको भी ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह आपसे भी काम लेगा. और दाई का काम है ना जो दावत देते हैं, ये लास्ट चीज़ मैं बोल के एंड करूँगी कि मैं 3 दिन की जमात में गई थी बैंगलोर एंड आई मेट सम अमेजिंग पीपल हु डू दावत वर्क. उन्होंने कहा हर इंसान अपनी जात पे मेहनत करता है ना, यू आर डूइंग योर नमाज, रोज़ा, ज़कात, एवरीथिंग, वेरी गुड रिवॉर्ड फॉर somebody who's working on themselves. But someone who's a dai, कहते हैं अल्लाह कहते हैं कि जो इंसान अपनी जात पे मेहनत करता है, वो पूरा 24 घंटा भी अगर मुसल्ले पे रहा, उसकी जन्नत कांदे के ऊपर जो एक छिलका होता है ना, अनियन, उसकी उतनी है compared to a dai who goes out and give दावत. That is the beauty of दावत. So I want all my sisters to make it a point कि आप सब वो दाई बने. ज़रूरी नहीं हम बड़े बड़े उलमा बन जाए, अब यू नो हम सीख सकते हैं, बट वॉट एवर वी लर्न, ट्राई टू टेक इट फॉरवर्ड, ट्राई टू हेल्प आर सिस्टर्स, ट्राई टू हेल्प आर फ्रेंड्स, आर नेबर्स. अगर हमारे कहने से कोई 2 रकात नफिल भी पढ़ लेता है, अल्लाह कहता है दुनिया और दुनिया में जितनी दौलत है उससे भी ज़्यादा आपको उसका बदला मिलेगा सिर्फ किसी के 2 रकात नफिल पढ़ने से. सो इमेजिन अगर किसी के आपने बोला और उसकी ज़िंदगी बदल गई तो क्या ही बात होगी. तो हमें ये नहीं सोचना है कि दिस इज़ नॉट माय जॉब, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं बोल पाऊँगी. भले आप अपनी बहन के साथ बैठे लेकिन दावत का काम करें. यू नो लॉकडाउन में मैंने सबसे पहला काम मैंने मेरी मम्मी के साथ किया. शी वॉज द फर्स्ट पर्सन आई वेंट यू नो मेक श्योर दैट यू नो वी हम अल्लाह को राज़ी करें. दुनिया में कोई हमसे राजी नहीं होने वाला है. यू नो यू विल हैव सर्टेन अग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स विद मी, बट अल्लाह इज, इफ यू मेक अल्लाह राजी, दैट इज वेयर यू हैव टू गो एंड दैट इज वेयर योर फाइनल डेस्टिनेशन इज. आखिरत इज फॉरएवर, दुनिया इज बहुत कम. कुछ साल पहले वी डोंट इवन नो इफ यू आर गोना सर्वाइव टू टुमारो और टुनाइट, है ना, पर आखिरत इज फॉरएवर. सो बस कोशिश करें ऐसी जो गेट टुगेदर्स होते जाते रहिए, क्योंकि ऐसे गेट टुगेदर्स में जाने का भी बहुत बड़ा सवाब है. कहते कयामत के दिन एक अर्श का साया होगा, देयर विल बी अ शेड वेयर देयर विल बी अ सर्टेन यू नो नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन ऑफ कोर्स स्टैंडिंग. तो जो दूसरी औरतें होगी ना वो कहेगी इन्हें कि ये लोग कौन है जिन्हें अर्श का साया मिला है. तो कहा जाएगा ये वो औरतें हैं जो घर से तैयार होके सिर्फ अल्लाह की दीन की बातें सुनने के लिए निकलती थी. द वे यू ऑल हैव कम हियर ओनली टू लिसन, अभी तक अमल हुआ नहीं हुआ, आपने मन में तौबा करने की ठानी नहीं ठानी, ये सब सेकेंडरी है. ओनली यू लेफ्ट योर हाउस एंड यू कम हियर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह टू लिसन अबाउट हिम. सिर्फ इस आपके इस अदा पे अल्लाह ने कयामत के दिन अर्श का एक साया आपके लिए रेडी कर दिया है जिसके शेड में आप खड़े होंगे. तो आप सोचो अगर हम अपनी ज़िंदगियों में अमल करना शुरू कर दें तो क्या ही हमारी ज़िंदगी होगी. सो बस इतनी बात तो बहुत है बट वक्त नहीं है. इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो अगली बार कुछ और ज़्यादा बातें करेंगे. बट यस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा. ऑब्वियसली आई एम गोना कम बैक क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए इन केस देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आई सी ऑन माय DM और नीचे, बट यू नो वो रिप्लाई हो ही नहीं पाता है. So today is the time that we can talk, and of course there's always learning from both ends. It's not that I'm sitting here and I'm talking and you know matlab mujhe sab kuch nahi, you know right now when he was talking I was like wow there's so many things you get to learn, hai na. To bas koshish kare ki hum apna dimag khole aur cheeze sune, hai na, sirf baithne ke liye na baithe. Jazakallah khair, aap logo se milke bahut bahut acha laga. Inshallah I'll see you post namaz. Assalamu alaikum. Everything, but Alhamdulillah, I'm very happy, and I think this is the best decision of my life to get married to an alime deen, you know. And there is nothing better than what the sisters go through, and the sisters will come and say that to me that this is what the society says, so all taking the job, the whole family, there's nobody takes the job.
डिफरेंस, हर हमेशा ऐसा ही होता है। हमारे पास कार्ड होता है, ये लोग कैश पूछते हैं। तो हम लोगों ने आर्डर दे दिया है इसे का, अभी हम लोग कैश लेने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब मैंने चाय आर्डर किया था वो कैश बोला, हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। उस टाइम पर हमें ATM नहीं मिला था, अभी हम लोग ATM के पास जा रहे हैं कैश ड्रॉ करने। हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे सारा कार्ड ही चलता है, बस ये थोड़ी जगह कैश लेते हैं। फिर हम लोग अपना कैश निकालेंगे फिर जाएंगे। बढ़ के सारा चिकड़ चिकड़ हो गया है फ्रेंड्स। You have to hold it flat, yeah? This step. You have to fold it flat. Flat, like this. Yeah. Not in the back. फ्रेंड्स हम लोगों ने इसको बैग में नहीं रख सकते, उसने बोला बैग में रखोगे तो सारा जाएगा। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए घर। हम लोग वहाँ से 10 बजे निकल गए थे और उनके उनसे और भी क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे, वो भी हम लोगों को पूछेंगे बोला। और जो VIP हैं, जो VIP सीट्स बुक हैं उनको, उन लोगों को भी वो अपने सना खान के साथ फ़ोटो उतरने का मौका मिलेगा बोला। लेकिन हम लोग आ गए 10 बजे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और अभी वो इवेंट और भी बहुत ज़्यादा टाइम चलेगा। और हम लोग सना खान के साथ डिनर भी कर सकते थे अगर हम लोग उसका पैसा भी बुक करते, तो वो था 100 पाउंड का, तो हम लोगों ने बुक नहीं किया। 1% का 100 पाउंड था मतलब 10,000, तो हम लोगों ने वो बुक नहीं किया था। लेकिन हम लोग 10 बजे तक थे, लेकिन वो भी इवेंट और भी चल रहा था, लेकिन हम लोग आ गए क्योंकि लेट हो जाएगा। हमें डिनर भी लेना था जो हम लोगों ने लिया, ये पिज़्ज़ा और ये चिकन विंग्स लिया, अभी हम लोग खाएँगे। अभी मैं आके ईशान की नमाज़ भी पढ़ लिया है। और सना खान तो जो फ़ोन में से तभी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा था फ्रेंड्स इवेंट। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिए।